Hello everyone, we were reading tense and its types. Today we are going to study about past perfect continuous tense. First of all, we will read introduction. What is the past perfect continuous tense? Se raha tha, se rahi thi, se rahe the. वाक्य के अंत में ये वर्ड आते हैं. इनसे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो हमारा टेंस है वो कौन सा टेंस है. देयर आर सम एडवर्ब सिंस फोर प्लस पास्ट टाइम विथ कंटिन्यू वर्क. यानी सिंस फोर का यूज़ होता है और पास्ट टाइम गिवन होगा वहाँ पे और वर्क जो होगा वो कंटिन्यू बताएगा. स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का कि कैसे इसे फ्रेम किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस फोर प्लस पास्ट टाइम. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस पास्ट टाइम का यूज़ किया जाता है. इंटरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस पास्ट टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले होगा और बाकी जो एज इट इज़ रहेंगे. देन सब्जेक्ट का यूज़ होता है उसके बाद में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस पास्ट टाइम देन क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है. नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस पास्ट टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन इनका यूज़ होता है. यहाँ पे नॉट यूज़ होगा क्योंकि बिकॉज ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं. पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जैसे कि कोई भी एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं 9 o'clock 7 o'clock या फिर मंडे 1956 26 जनवरी कोई भी मंथ जो कि फिक्स डेट पे है तो उसके लिए वी कैन यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम एंड सिंस. पीरियड ऑफ टाइम फॉर यानी कि 2 घंटे से 4 दिनों से इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि कौन से 2 घंटे कौन से 4 घंटे तो उसके लिए हम पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं. वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है. फॉर When she come to meet me in December 1980, I had already been awaiting her for 3 years. Simple sentence. When she came to meet me. ये simple sentence शो हो रहा है उसमें और for का use हो रहा है और last में 3 years के लिए. तो मैंने बताया था period of time के लिए हम for का use करते हैं. Second example is at that time we had not been practicing for 2 years. यहाँ पर negative sentence है और यहाँ पर not का use हमने किया हुआ है. Now this tense is completed. We will reading future simple tense in next video.